बच्चों थोड़ा सी मिस्टेक हो जाने के कारण मोबाइल की आपको फिर इतना बता दिया, इसके बाद हम आपको विटामिन बी17 बता रहे थे भी आप समझेंगे। विटामिन बी17 जिसका नाम है लैक्टाइट। और लैक्टाइट क्या है, ये किससे प्राप्त होती है, इसकी कमी से क्या रोग हो जाता है, इसकी कमी से भी यही हमें रोग होता है रक्तअल्पता। इसकी जो हमें स्रोत है क्या चाहिए, तो स्रोत इसके बहुत से सरल हैं, बहुत सस्ते हैं, वो है गेहूं, घास तथा जूस। लिखेंगे गेहूं, घास तथा जूस, गेहूं, घास तथा जूस। और ये किस लिए, मतलब इनका कार्य क्या है, तो विटामिन बी17 में प्रति कैंसर गुण होते हैं। लिखेंगे विटामिन बी17 में प्रति कैंसर, विटामिन बी17 में प्रति कैंसर गुण होते हैं। और इसमें भी रक्षा करता है। ओके, इसके बाद आता है, तो आपने ये सभी लिखा, तो देखिए आप विटामिन बी10 हरी पत्तेदार सब्जियां आरबीसी के निर्माण में, यानी कि जो हमारी रक्त रुधिर कणिकाएं बनती हैं उनमें सहायक होती हैं, भूख बढ़ाने में सहायक होती है, रक्तअल्पता यानी कि खून की कमी जब शरीर में हो जाती है तो हमारे लिए जरूरी हो जाता है। इसी प्रकार से विटामिन बी12 जिसका नाम है साइनोकॉबलिन, यकृत, मांस, मछली, अंडे, दूध के लिए सहायक होते हैं। तथा एक सवाल होता है जिसका नाम होता है स्पाइरुलिना, उसको खाने से भी विटामिन बी12 की कमी पूरी हो जाती है। ये भी आरबीसी के निर्माण में सहायक होती है तथा डीएनए के संश्लेषण में भाग लेती है, इसमें भी क्रीड़ाशि रक्तअल्पता आती है। इसी प्रकार से विटामिन बी17 जो हमें गेहूँ, घास तथा जूस से प्राप्त होती है, और ये प्रति कैंसर के गुण होते हैं, यानी कि कैंसर मारने के गुण इसके अंदर होते हैं। आपने देखा होगा या सुना होगा कि जब किसी व्यक्ति को कैंसर होता है तो उसे गेहूँ घर पे उगाए जाते हैं अल्टरनेट करके, यानी कि गमले में 3 गमले रख दिए जाते हैं, 3 गमलों में किस प्रकार से गेहूँ उगाए जाते हैं, ऐसे इस प्रकार से गेहूँ उगाए जाते हैं। और इसमें पहले दिन गेहूँ उगता है, दूसरे दिन टिकते तो तीसरे दिन टिकते हैं, तो पहले दिन पहले गेहूँ को काट के जूस बना दिया जाता है और मरीज को पिलाया जाता है। और जब दूसरे दिन के गेहूँ बड़े हो जाते हैं तो इसका जूस बना के सेकंड में दिया जाता है। फिर तीसरे दिन के गेहूँ बड़े हो जाते हैं, गेहूँ की पत्तियाँ बड़ी हो जाती हैं, तो इसके गुण इसमें दिए जाते हैं। इस तरीके से अल्टरनेट चलता रहता है। तो क्यों, क्योंकि इसमें प्रति कैंसर के गुण, ठीक है, इसलिए ऐसा होता है। तो ये थे आपके विटामिन बी कंप्लीट हो चुके। अब आपका विटामिन सी चालू होगा जो हम आपको अगली क्लास में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, मास्क का प्रयोग करें, कोरोना से बचते रहें।